नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। IC 814, भारत में हर शख्स इस नाम को जानता होगा। 24 दिसंबर 1999 को सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक तरह से पूरे देश को हाईजैक कर लिया गया था। 25 साल बाद इसी घटना पर आई एक वेब सीरीज पर विवाद के बाद पूरी घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। आखिर क्या हुआ था IC 814 पर, पूरी कहानी एक बार फिर देखते हैं। इस बार का न्यूज मेकर है IC 814। IC 814, द कंधार हाईजैक। एक नाम ने देश को दो बार हिलाकर रख दिया, पहली बार 1999 में और दूसरी बार अब। जितनी चर्चा IC 814 ने हाईजैक होकर कमाई थी, कुछ वैसा ही जिक्र सीरीज आने के बाद भी हुआ है। लेकिन अब ये विवाद क्यों, जबकि कंधार हाईजैकिंग पर तो पहले भी बहुत लिखा और दिखाया जा चुका है। इस बार विवाद है हाईजैकर्स के नाम पर, लेकिन इसी बहाने IC 814 की तमाम कहानियां फिर सामने आ गई हैं। इल्जाम लगा असली पहचान छिपाकर आतंकियों के नाम भोला और शंकर दिखाए गए। फिर सुलगते सवाल साजिश में शामिल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका को दिखाने के तरीके पर भी उठे। That act was committed by Pakistan's ISI backed terrorists. Now nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very very happy that the INV Ministry and the government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. पर पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इसके लिए कुछ किरदारों को जानना पड़ेगा, तारीखों को कुरेदना होगा। दास्तां शुरू होती है कंधार हाईजैक से 10 साल पहले, 8 दिसंबर 1989। हिंदुस्तान की हुकूमत पर काबिज VP सिंह सरकार में गृह मंत्री के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को शपथ लिए 4 दिन ही गुजरे कि वो घटना घटी जिसने कश्मीर के इतिहास के सबसे भयानक दौर को जन्म दिया। 8 दिसंबर 1989 3:45 पर अस्पताल से ड्यूटी पूरी कर बाहर निकली मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण होता है। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का जिम्मा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने लिया। रुबिया सईद को छुड़वाने के बदले में 5 मिलिटेंटों को रिहा किया गया, जिसमे मुश्ताक जरगर भी शामिल था, जिसको 3 साल बाद 15 मई 1992 को फिर दबोचा गया। 2 साल बाद तारीख 11 फरवरी 1994, बांग्लादेश के रास्ते पुर्तगाली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान में दाखिल होकर कश्मीर पहुंचे आतंकी मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्ताक जरगर, मसूद अजहर और उमर सईद शेख, इन तीनों के बारे में हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि हाईजैक हुए IC 814 के बदले में इन्हीं आतंकियों की रिहाई हुई थी। 1999 में आतंकियों ने सुरंग खोदकर मौलाना मसूद अजहर को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मोटे शरीर के कारण वो सुरंग में फंस गया। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सब्जी मंडी एरिया में एक मकान के अंदर 5 आतंकियों की मीटिंग चल रही थी। इनके नाम थे इब्राहिम अतह, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। इनका मकसद था मसूद अजहर को रिहा करवाना। इनमें काठमांडू में सक्रिय अतहर ने ही प्लेन हाईजैकिंग का आइडिया दिया। मिशन के लिए कोड नेम दिए गए, सनी अहमद काजी को बर्गर, इब्राहिम मिस्त्री को भोला, सईद अख्तर को डॉक्टर, शाकिर को शंकर। IC 814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज में ज्यादातर जगह आतंकियों के कोड नेम ही दिखाए गए, हालांकि बाद में इसमें बदलाव करते हुए डिस्क्लेमर के जरिए असली नाम भी जुड़े।
AH-14 जो विमान जो मतलब हाईजैक हुआ था उसके ऊपर जो फिल्म बनाया गया, उस फिल्म में ये दिखाई दिया कि जो 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 टेररिस्ट है वो एक दूसरे को जिस भारतीय नाम खास तौर पे जो हिंदू भगवान का नाम होता है भोला शंकर, इस नाम से वो पुकार रहा है एक दूसरे को। लेकिन इनके लिए इनका तर्क था कि जो राइटर जो फिल्म बनाया कि ये तो एक्चुअली उन लोगों ने सबको मैंने गलत समझाने के लिए जानबूझ के किया था। एक्चुअली टेररिस्ट का नाम असली नाम दूसरा था, जो अपना जो पाकिस्तान से आए थे वही नाम था उसका, मुसलमानी नाम ही थे। जो बीजेपी IC-814 के हर डिटेल को लेकर परेशान है, केरला स्टोरी में 33,000 औरतें दिखाई गई थी और कोर्ट में बोला गया 3 औरतें और फिर माफी मांगी गई, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। इतिहास के साथ खिलवाड़ करने में कोई दर्द नहीं है। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरेज है ये दुनिया समझती है। बवाल की वजह ISI की भूमिका को सीरीज में हल्का करके दिखाना भी रही। इसका सच जानने के लिए हाईजैक की पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 24 दिसंबर 1999, सेफ्टी चेक की प्रक्रिया पूरी होते ही शाम 4 बजे के बाद रनवे 20 से विमान ने उड़ान भरी। करीब 4:25 का वक्त था, चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा ने पायलट्स को मैसेज दिया कि वो उनके लिए चाय कॉफी लाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट से बाहर निकले, उनके सामने 5'3" का ग्रे सूट पहने एक शख्स खड़ा हुआ था। उसने लाल मास्क पहना हुआ था और एक बंकी कैप भी उसने लगा रखी थी। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में हैंड ग्रेनेड। उसने कहा, होशियारी मत करना, चिल्लाना मत, दयारा हमारे कब्जे में। CMG यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हवाई यात्रा पर थे, जिन्हें दिल्ली पहुंचने के बाद उस वक्त NSA रहे ब्रजेश मिश्रा ने हाईजैक की पूरी जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इसमें रॉ के हेड रहे AS दुलत, NSG प्रमुख निखिल कुमार, विदेश मंत्री जसवंत सिंह मौजूद थे। अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ठीक से काम किया होता, देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात का दावा करती हैं कि वो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। पहला तो सवाल ये उठता है कि वो क्यों नहीं पता लगा पाए कारगिल में जब पाकिस्तान के लोग आके बैठ गए, क्यों नहीं पता लगा पाए कि गलवान में जब अटैक हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर जितने आतंकी पकड़े गए हैं उनका ठीक से इंटरोगेशन रहा होता उस समय तक भी, तो एक आतंकी के पकड़ने से आप 40 सुरागों का पता लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कुछ कमी रही। शाम 7 बजे विमान अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को भी जानकारी मिली, NSG भी तैयार थी। करीब 50 तक विमान एयरपोर्ट पर रहा। सबसे बड़ा कसूरवार इसमें अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर जो तैनात था उस समय का दादेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह, वो था। क्योंकि वो अगर कोशिश करता, अगर वो युक्ति का इस्तेमाल करता तो उस हवाई जहाज में फ्यूल भरने की बजाय फ्यूल निकाल सकता था, उसके टायर्स में से हवा निकाल सकता था या कोई और युक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। इतने सीनियर ऑफिसर्स को तनख्वाह ड्यूटी करने के लिए नहीं दी जाती, उनको दी जाती है टू बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड देट टू एट सच ए क्रूशियल आवर। तो मेरी निगाह में इसमें सबसे बड़ा कसूरवार वहाँ का अमृतसर का DGP था। अमृतसर से पाकिस्तान की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने IC-814 को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत न दी, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि वो किसी भी सूरत हाईजैकिंग में इन्वॉल्व ना हो और ना ही उसका कहीं पे नाम आए। यही वजह थी कि लाहौर एयरपोर्ट्स की लाइट्स को बंद कर दिया गया और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद त्यारे को लाहौर के हाईवे पे उतारने की प्लानिंग की गई। लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सरकार ने इजाजत देते हुए लाहौर एयरपोर्ट्स की लाइट्स को ऑन कर दिया और IC-814 को लाहौर एयरपोर्ट पर फ्यूलिंग के लिए लैंड करने की इजाजत दे दी। हाईजैकिंग के समय पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त
इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर देने में देरी की गई। नतीजा ये निकला कि जब हेलीकॉप्टर आधे रास्ते में था, तभी उन्हें विमान के उड़ जाने की जानकारी दी। अब IC-814 अफगानिस्तान की ओर निकला, लेकिन काबुल में रात के वक्त लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में प्लेन दुबई पहुंचा। यहां कमांडो ऑपरेशन की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन ईंधन के बदले महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों को रिहा करवा लिया गया। अब विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। यहां तालिबान की सरकार थी। 140 घंटे तक बंदी रहने के बाद हवाई अड्डे पर पहुंचे IC-814 को तालिबान के लड़ाकों ने घेर लिया। तालिबान ने दलील दी कि ऐसा यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया, लेकिन माना यह भी जाता है कि तालिबान ने यह कदम हिंदुस्तान की ओर से किसी सीक्रेट मिशन की आशंका से उठाया था। देखते ही देखते तालिबान मध्यस्थ की भूमिका में आ गया। अनिल के जगिया और सौरभ शुक्ला ने अपनी पुस्तक IC-814 हाईजैक्ड द इनसाइड स्टोरी में बताया है, तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर ने अपने विदेश मंत्री वकील अहमद मुतवकिल से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने अपहरणकर्ता चीफ से 30 मिनट तक बात की थी। इस बीच आतंकियों का आक्रामक रुख डराने लगा, लिहाजा भारत की ओर से 52 लोगों की टीम को कंधार रवाना किया गया। इनमें प्रमुख नाम सीडी सहाय, अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे विवेक काटजू शामिल थे। तब आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे अजीत डोभाल ने हाईजैकर से बातचीत शुरू की। थोड़ी सी बातचीत के बाद आतंकियों ने प्लेन से पेपर फेंका जिसमें उनकी मांगे लिखी थी। इसमें आतंकी मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, $200 मिलियन, हरकतुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी के शव की मांग थी। विदेश मंत्री की तरफ से इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगे गैर इस्लामी हैं, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगे छोड़ दी। इसके बाद भारत का ये कहना था कि आतंकवादियों के रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने हाईजैकर्स पर दबाव नहीं डाला। आखिर में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने को तैयार हुई, लेकिन इस फैसले पर पहुंचना सरकार के लिए आसान नहीं था। एक और बंदी बनाए गए पैसेंजर्स के रिश्तेदार अब सवाल उठाने लगे कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए आतंकियों को रिहा किया जा सकता है तो उनके लिए क्यों नहीं। वही चुनौती फारूक अब्दुल्ला को मनाने की थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे राबी कहा जाता है, उसके प्रमुख एएस दौलत श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचकर उनकी मुलाकात उस समय के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से हुई। फारूक ने साफ मना कर दिया और कहा कि आतंकियों को छोड़े जाने के नतीजे काफी गंभीर होंगे। आखिरकार काफी मुश्किल के बाद फारूक को मानना ही पड़ा। इस दौरान तालिबान ने भी ये कहकर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो जल्द हाईजैकर्स को कंधार से जाने के लिए कह सकता है, लिहाजा दिल्ली में हलचल तेज हो गई। माना गया कि विमान को लीबिया या सूडान ले जाया जा सकता है। इनमें लीबिया को लेकर तब के विदेश मंत्री ने कैबिनेट में भरोसा भी दिलाया, लेकिन सूडान से संकट बढ़ सकता था। वहीं खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी 1 जनवरी 2000 को विमान पर नुकसान पहुंचाने की हद तक जा सकते थे। ऐसे में 3 आतंकियों को रिहा करने पर मंजूरी दे दी गई। ये तीनों वही आतंकी हैं जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। जसवंत सिंह आतंकियों को लेकर कंधार रवाना हुए, जिसके बदले में पैसेंजर्स को आजाद किया गया, पर बाद के सालों में रिहा आतंकियों ने भारत को कई घाव दिए। अजहर के आतंकी संगठन ने
1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया। फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे 40 से ज्यादा जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। बताया जाता है कि मसूद आज भी पाकिस्तान में है, लेकिन IC 814 द कंधार हाईजैक के आखिरी सीन में अलकायदा और ओसामा की भूमिका दिखाई गई और ISI का चित्रण हकीकत में अलग तरह से किया गया, वो भी तब जब मसूद समेत ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी के मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं।